31 अक्टूबर 2008 सतोशी नाकामोतो नाम का एक अनोनिमस यूजर medsdoubt.com नाम की एक मेलिंग लिस्ट वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है जिसमें एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में लिखा था। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये एक तरह की ऐसी डिजिटल करेंसी होने वाली थी जिसको रेगुलाइज करने के लिए ना तो किसी इंसान की और ना ही गवर्नमेंट की जरूरत थी। इस डॉक्यूमेंट के पब्लिश होने के 3 दिन के अंदर ही सतोशी टॉर जैसे सीक्रेट ब्राउजर जिसे ट्रैक नहीं किया जा सकता उसका इस्तेमाल करके bitcoin.org नाम का एक डोमेन रजिस्टर करके इस क्रिप्टो करेंसी के पहले 50 बिटकॉइन मिंट करते हैं जिन्हें आज के लोग जेनेसिस ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं और बिटकॉइन के लॉन्च होते ही ये पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला हैज सोल्ड ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स होल्डिंग्स इन बिटकॉइन एंड यू नो बिटकॉइन इज अ कैंडिडेट फॉर दैट एंड ही बॉट बिटकॉइन व्हेन इट वाज $1 और कुछ ही टाइम के अंदर ही बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $862 बिलियन के करीब तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि पूरी दुनिया में जिस डिजिटल करेंसी को खरीदने की मानो रेस सी लगी थी लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी को ये नहीं पता था कि जिस बिटकॉइन में वो अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्रिएटर आखिरकार कौन था और वो अचानक से कहां गायब हो गया। तो क्या सच में इस बिटकॉइन को एक बहुत बड़ी साजिश के तौर पे बनाया गया था और या फिर इस बिटकॉइन का कनेक्शन गवर्नमेंट और या फिर टाइम ट्रेवल से भी जाकर जुड़ता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम बिटकॉइन से जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। आज से तकरीबन 40 साल पहले एयर 1983 में डेविड चॉम पहली बार किसी डिजिटल कैश का आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं और एयर 1989 में डिजी कैश नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक कैश कंपनी की शुरुआत होती है। ये डिजी कैश करेंसी के ट्रांजैक्शन एक्चुअली में क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स पर ही बेस्ड थे लेकिन क्योंकि ये करेंसी सेंट्रलाइज थी यानी इस करेंसी को ऑपरेट करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत पड़ती थी इस वजह से कंपनी को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और एयर 1998 में ही जाकर डिजी कैश कंपनी को बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ती है। डिजी कैश करेंसी के अलावा भी मार्केट में कई नॉन क्रिप्टोग्राफिक करेंसी जैसे कि फ्लूज बिन्स और साइफर कैश भी लॉन्च होते हैं पर क्योंकि ये करेंसी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक पर बेस्ड नहीं थी इसलिए काफी चांसेस थे कि इन करेंसी के कोड्स को हैकर कॉपी पेस्ट कर सकते थे जिसकी वजह से हैकर्स जितनी चाहे उतनी करेंसीज जनरेट कर सकते थे। लेकिन वही साल 2008 में सतोशी नाकामोतो नाम का एक अनोनिमस यूजर बिटकॉइंस लॉन्च करता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्निक पर बेस्ड थी। ये ब्लॉकचेन टेक्निक्स को अगर आसान लैंग्वेज में समझें तो मानिए ये बिटकॉइन करेंसी एक नोटबुक है और इस नोटबुक का हर एक पेज एक ब्लॉक है। जब भी इस प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री इस नोटबुक के पेज पर करी जाती है। लेकिन सबसे यूनिक चीज इस बिटकॉइन की ये है कि इस नोटबुक का कोई सिंगल ओनर नहीं है बल्कि इस नोटबुक की कॉपी हर एक यूजर के पास है और इसका हर एक ट्रांजैक्शन हर एक नोटबुक पर रिकॉर्ड किया जाता है और तो और इस करेंसी के सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन चेन की तरह लिंक होता है। तो इसी सिस्टम में एक्चुअली में काम करती है ये बिटकॉइन करेंसी। इस वजह से ना तो इस करेंसी को कॉपी किया जा सकता है और ना ही हैक। इस करेंसी के पूरी दुनिया में पॉपुलर होने के बाद सभी लोग सतोशी नाकामोतो की खोज में जुट जाते हैं पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये होती है कि किसी को ये तक नहीं पता था कि कौन है असल में सतोशी नाकामोतो। इसी वजह से पूरी दुनिया भर में सतोशी नाकामोतो के एग्जिस्टेंस पर ही अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगती है। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि सतोशी नाकामोतो नाम का कोई शख्स नहीं बल्कि बिटकॉइंस के क्रिएटर ने ये एक फेक यूजर नेम चुना है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी दुनिया भर से छुपा सके। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि बिटकॉइन करेंसी का सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इस वजह से इस बिटकॉइन को किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि पूरी की पूरी सीक्रेट कम्युनिटी ने मिलकर डेवलप किया है। इसी वजह से काफी इन्वेस्टिगेटर की रिसर्च के बाद इस बिटकॉइन के डेवलपमेंट में एक और नाम सामने आता है मार्टी माल्मी जिन्हें लोग सीरियस एम के नाम से भी जानते हैं। मार्टी माल्मी सतोशी नाकामोतो के अलावा एक लौते ऐसे डेवलपर थे जिन्होंने बिटकॉइन पर काम किया था और काफी लोगों के हिसाब से मार्टी माल्मी ही शायद एक लौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें ये पता है कि कौन है असल में सतोशी नाकामोतो। लेकिन मार्टी माल्मी ने सतोशी नाकामोतो के बारे में पूछने पर उन्होंने सिर्फ ये ही बताया कि वो इस प्रोजेक्ट में
सिर्फ 2009 में ही इन्वॉल्व हुए थे जब सतोशी ने उन्हें एक अनोनिमस मेल भेजा था। उसके बाद जाकर ही वो अपनी मर्जी से इस प्रोजेक्ट में जुड़े थे और उन्होंने बिटकॉइन के डेवलपमेंट में हेल्प करी थी। इसी वजह से वो भी इसके अलावा सतोशी के बारे में कुछ और नहीं जानते। हालांकि काफी लोग ये मानते हैं कि मार्टी मालवी ही सतोशी नाकामोतो हैं। लेकिन ऐसा नामुमकिन इसलिए भी है कि मार्टी मालवी को हमेशा से ही बिटकॉइन की सक्सेस पर भरोसा नहीं था। इसीलिए मार्टी ने एक ट्वीट में ये बताया कि उन्होंने 2009 से 2010 के बीच 55,000 से भी ज्यादा बिटकॉइंस माइन किए थे जिसकी आज के टाइम पर कॉस्ट ही बिलियंस ऑफ डॉलर है। लेकिन क्योंकि मार्टी को इसका आइडिया नहीं था कि बिटकॉइंस इतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, इसलिए उन्होंने उस टाइम ही $10 के रेट से सभी बिटकॉइंस बेच दिए थे। हालांकि इसके अलावा भी कई और लोगों की भी सतोशी नाकामोतो होने की बात कही गई है, जिसमें से हैल फीने और निक ज़ाबो के सबसे ज्यादा चांसेस बताए गए हैं कि बिटकॉइन के डेवलपर सतोशी नाकामोतो होने के, क्योंकि हैल पहले इंसान थे जिन्होंने न सिर्फ बिटकॉइन माइन किए थे बल्कि वही पहले शख्स भी थे जिन्होंने सतोशी नाकामोतो के अकाउंट से हुए पहले ट्रांजैक्शन से बिटकॉइन रिसीव किए थे। हालांकि हैल फिने ने सतोशी नाकामोतो होने के क्लेम को डिनाई कर दिया और 2014 में ही उनकी डेथ भी हो गई थी। वहीं अगर निक की बात करें तो निक ज़ाबो लेट 1990s से ही बिट गोल्ड नाम की एक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे थे और बिटकॉइन और बिट गोल्ड में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होने की ही वजह से काफी लोग यही बिलीव करते हैं कि निक ही सतोशी नाकामोतो हैं। लेकिन हैल की तरह ही निक ने भी इस क्लेम को डिनाई कर दिया, जिसके बाद साल 2014 में एक और जापानीज अमेरिकन शख्स डेरियन ने खुद से ही ये क्लेम किया कि वो सतोशी नाकामोतो हैं। हालांकि आगे चलकर ये क्लेम भी बेसलेस साबित हुआ। और तो और इन सब क्लेम के बावजूद भी आज तक किसी को ये तक नहीं पता चला कि कौन है असली सतोशी नाकामोतो। लेकिन एक बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि सतोशी इस टाइम पर 1 मिलियन से भी ज्यादा बिटकॉइन ओन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ $73 बिलियन जितनी अज्यूम करी गई है, जो उन्हें बनाती है दुनिया के 15th richest man। हालांकि ये भी माना जाता है कि अगर सतोशी अपने सारे बिटकॉइन मार्केट में बेच दे तो काफी हद तक चांसेस होंगे कि पूरी बिटकॉइन मार्केट ही कोलैप्स कर जाए। लेकिन इन सब के अलावा भी बिटकॉइन के ओरिजिन की कई और कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, जो कि बिटकॉइंस को काफी बड़ी मिस्ट्री बनाते हैं। जिसमें से सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि बिटकॉइन को एक्चुअली में अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी CIA और NSA ने ही बनाया था। एक वेबसाइट के हिसाब से हर साल ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, स्मगलिंग जैसी 46% इलीगल एक्टिविटीज बिटकॉइन के थ्रू ही ट्रांजैक्ट करी जाती है। तो अब भले ही ब्लैक मार्केट में बिटकॉइंस ने एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हो, पर वहां पर लोग इसे सिक्योरिटी की वजह से ही यूज करते हैं। इसके अलावा भी काफी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने ये भी थ्योरी दी कि सतोशी नाकामोतो एक टाइम ट्रैवलर थे जो कि फ्यूचर से आए थे और उन्होंने दुनिया को बिटकॉइन जैसी करेंसी देकर वो वापस अपने टाइम में ही चले गए। अब भले ये बात हम सबको एक मजाक लगे, पर ऐसी थ्योरी सच में पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है। इसके अलावा कई बार लोग ये भी क्लेम करते हैं कि सतोशी नाकामोतो नाम का ना तो कोई इंसान है और ना ही किसी गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को बनाया, बल्कि सतोशी नाकामोतो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने बिटकॉइन को बनाया था। हालांकि इसके अलावा अब सवाल ये उठता है, क्या होगा अगर रातों रात ही बिटकॉइंस गायब हो जाए? अगर ऐसा सच में हो गया तो दुनिया भर के इन्वेस्टर को भारी नुकसान भरना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस काफी कम है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बिटकॉइन की मार्केट काफी हद तक क्रैश तो जरूर कर सकती है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ही NFTs ने भी काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करी थी। पर वहीं अगर आज की बात करें तो ये NFTs मार्केट पूरी की पूरी तरह क्रैश कर चुकी है। अब ये तो अंदाजा फिलहाल के लिए लगाना तो काफी मुश्किल है कि बिटकॉइन का बबल कब बस्ट हो सकता है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर 1% भी चांसेस हैं कि बिटकॉइन रातों रात वैनिश हो जाए तो हजारों से भी ज्यादा इन्वेस्टर का पैसा डूबने वाला है। तो आपको इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज और स्टोरीज में से कौन सी जेन्युइन लगी और असल में आपके हिसाब से कौन है ये सतोशी नाकामोतो? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।